हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि साहू, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फिफ्थ। टुडे वंस अगेन आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर मीन्स व्याकरण। व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर क्या है और ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। नाउ लिसन केयरफुली। ग्रामर इज द मीन्स बाई विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर के द्वारा किसी भी भाषा को, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को करेक्टली, सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं या सीख सकते हैं। फिर से देखिए, ग्रामर इज द मीन्स बाई विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर के द्वारा किसी भी भाषा को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज इज द मीन्स बाई विच अ पर्सन शेयर हिज थॉट एंड फीलिंग टू अनदर पर्सन। लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति, अ पर्सन, एक व्यक्ति हिज थॉट, अपने विचार एंड फीलिंग और भावों को अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। लैंग्वेज इज द मीन्स बाई विच अ पर्सन शेयर हिज थॉट एंड फीलिंग टू अनदर पर्सन। भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है। नंबर वन ओरल लैंग्वेज, नंबर टू रिटन लैंग्वेज, नंबर थ्री साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज मीन्स मौखिक भाषा, रिटन लैंग्वेज मीन्स लिखित भाषा एंड साइन लैंग्वेज मीन्स सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है लेटर। लेटर मीन्स अक्षर या वर्ण। डेफिनेशन है अ स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अनदर पार्ट इज कॉल्ड लेटर। अ स्मॉलेस्ट, एक सबसे छोटी साउंड, ध्वनि, ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अनदर पार्ट, जिसको किसी भी पार्ट, किसी भी दूसरे भाग में बांटा नहीं जा सकता है, वह लेटर कहलाता है। फिर से देखिए, स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन बी डिवाइडेड अनदर पार्ट इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको दूसरे भागों में बांटा नहीं जा सकता है, वह लेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है ए बी सी डी ई, इसको जो है किसी दूसरे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, तो ये भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई भी होती है, जिसको लेटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है गिव द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। यहाँ पे आपको ग्रामर की डेफिनेशन लिखनी है और लर्न भी करनी है, और गिव द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, और आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन देनी है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये रिपीट नहीं किया जाएगा, इसलिए टेक इट सीरियसली एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू।